जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अनअकैडमी एंड अद्वैत एजुकेशन में। बच्चों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। ये एक वैदिक मेथड है, वैदिक मेथड जिसका नाम है उर्वित्रयव्याम, राइट। अगर हम देखें इस मेथड में तो कैसे क्या यूज होता है। सबसे पहले अगर हमें 56 का 32 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सिखाऊं तो हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब 6 का 2 से इंटू करना है। तो 6 इंटू 2 करोगे, यहां मैं साइड में स्टेप लिखते जा रहा हूं। फर्स्ट है स्टेप, हमें यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 6 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास 1-1 डिजिट थे, अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, सेकंड स्टेज पे, तो हमारे पास दो डिजिट है। तो दो डिजिट में कैसे करना है, दोनों ही नंबर में क्रॉस करना है डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। मतलब कैसे करना है, इनको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कराना है और इनको ओरली एड भी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम देखें तो 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा। 10 और 18 हो गया आपका 28, और ये 1 हमारा क्या था, एक कैरी था, तो ये हो गया आपका 29, 2 कैरी। जब ये पूरे डिजिट कवर हो जाए तो हमें क्या करना होता है, फिर राइट साइड से स्किप करना होता है। तो मतलब हम इस नंबर को स्किप कर देंगे। जब हम इसको स्किप कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे अब नंबर देखिए, दोनों ही नंबर में अब सिंगल सिंगल डिजिट बचा है, और सिंगल डिजिट में हम कैसे करते थे, डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको डायरेक्टली परफॉर्म कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 × 5 = 15 × 17। तो ये जो आंसर है ये कितना होना चाहिए हमारा, 1792, राइट। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा एक लाइन में लिख के आ गया तो क्या आप उसको ऐसे परफॉर्म करोगे, नहीं करोगे, राइट। तो इसी मेथड को अगर आपको सिंगल लाइन में परफॉर्म करना है कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे, जरा उसको सीखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका आप इससे इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 × 12, तो हमने 2 लिख दिया, 1 क्या हो गया हमारा, कैरी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप अंदर वाले को अंदर से और बाहर वाले को बाहर से क्रॉस करना। मतलब क्या होता है, क्रॉस करना होता है यूनिट डिजिट का 10th प्लेस वाले से, 10th प्लेस वाले का यूनिट डिजिट से। तो आपको क्या करना है, यहाँ अंदर वाले का अंदर से मल्टीप्लिकेशन करना है, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लिकेशन करना है, और उनको ओरली ऐड करना है। तो आप यहाँ देखेंगे 6 × 3 = 18, 5 × 2 = 10, 18 × 10 हो गया 28, और 1 कैरी था तो ये हो गया हमारा 29। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, 2 कैरी। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, लास्ट वाले से लास्ट वाले का, मतलब आप देखो तो ये 10th प्लेस से ये 10th प्लेस वाले का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 2 = 17, तो ये कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा 1792, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें तीन डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो डिजिट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे बच्चा, ठीक, कुछ दो क्वेश्चन हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें करना है यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा 6। उसके बाद क्या करते हैं, अंदर वाले का अंदर से बाहर वाले का बाहर, तो 7 × 42 और 5 हो गया आपका 47, तो ये हो गया 7, 4 हो गया आपका कैरी। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाले नंबर कैसे, तो 35 और 4 कितना हो जाएगा आपका 39, 39, तो ये कितना हो जाएगा 3976। सिमिलरली अब मैं इसको विदाउट लाइन खींचे आपको करके दिखा रहा हूं, आपको ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है कि विदाउट आप लाइन को ड्रॉ किए आप इसका कैलकुलेशन कर ले। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यूनिट होगा दिस वन, तो कितना हुआ 21, 1, 2 कैरी। फिर अंदर वाले का अंदर से बाहर वाले का बाहर से, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 28, 28 और 6 हो गया 34, 34 और 2 हो गया आपका 36, तो ये आ गया 6, बचा 3। अब हो जाएगा 8 और 3 = 11, मतलब 1161 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए बने रहे मेरे साथ अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद।